छठ पूजा को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी के साथ गंगा घाट स्थित घाट का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने धर्म गुरुओं से भी बातचीत की। जिलाधिकारी ने गंगा घाट में कपड़े बदलने के व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही जनरेटर के द्वारा विद्युत सप्लाई को सुचारू रूप से रखने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पूरे घाट को देखा, वहां की व्यवस्थाओं के विषय में अशासी अधिकारी नगरपालिका से पूछताछ की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि घाट पर सफाई कर्मी की ड्यूटी पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए। इस दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल का भी पालन होना चाहिए। त्यौहार के दौरान व्यापक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने छठ पूजा के पश्चात पूजा स्थल की स्वच्छता बनाए रखने की भी ध्यान देने पर जोर दिया। इसके साथ ही समिति से आग्रह किया कि वे मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वास्थ्य टीम द्वारा 2,500 मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही गंगा घाट पर ब्लीचिंग पाउडर और चूने के छिड़काव करने के भी निर्देश दिए गए।